नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो पे। दोस्तों, आप में से अधिकांश लोग जो है आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, कुछ लोग हो सकता है बीएमएस कर रहे हों और कुछ लोग एमडी कर रहे हों। तो बहुत से लोगों का, छात्रों का सपना होता है आयुर्वेद में रिसर्च करना, और ऐसे में जब आप रिसर्च की बात करते हैं तो एक रिसर्च प्रोटोकॉल आपको बनाना पड़ता है। और रिसर्च प्रोटोकॉल में सबसे जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है वो केस प्रोफार्मा, और केस प्रोफार्मा में किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ये कई बार जो है समझ में नहीं आता बहुत से लोगों को। और अगर देखा जाए तो जितने भी संस्थान हैं सबके यहाँ पर अलग अलग एक रिसर्च प्रोफार्मा है, और जब आप दोनों सबकी तुलना करेंगे तो सबके प्रोफार्मा जो है अलग अलग होते हैं। किसी में कुछ चीज़ें नई होती हैं, किसी में कुछ चीज़ें छूटी होती हैं। तो इसी को लेकर जो है CCRS ने, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, तो इन्होंने एक प्रोफार्मा जारी किया है, और ये प्रोफार्मा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो इसमें सारी चीज़ों का समावेश किया गया है और इसमें कुछ छूटने की संभावना भी नहीं है। दूसरा फायदा ये होगा कि अगर हम इस प्रोफार्मा को पूरे देश में लागू करते हैं तो जितने भी रिसर्च हैं, जितने भी शोध हो रहे हैं, चाहे MD स्तर के हो या PhD स्तर के हो या इससे अलग कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो कर रही है, तो रिसर्च में सब में एकरूपता आएगी, सब में सिमिलरिटी रहेगी, पैरामीटर सबके सेम रहेंगे। तो अगर हम किसी भी ड्रग का ट्रायल करना चाहते हैं तो हमें सब में सिमिलर चीज, प्रोफार्मा सिमिलर रहेंगे, तो इफ़ेक्ट भी हमको कंपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और रिसर्च के जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको सब इसमें डिटेल में हम बताएंगे पॉइंट। साथ में एक और खुशखबरी आप सभी के लिए, बहुत से छात्रों का डिमांड आ रहा है गिव अवे के लिए, तो इस वीडियो में आप देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जितने भी हमारे पास जो भी कमेंट्स आएंगे उसी में से रैंडम सिलेक्शन करके किसी एक जो है विनर को हम इस बार से गिव अवे करेंगे बुक्स का। जो भी बुक्स हमारे प्रैक्टिस के लिए, स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस वाले वीडियो में हम सबसे पहले जो हैरिसन का नाम सबने सुना होगा, हैरिसन की मैनुअल ऑफ मेडिसिन, हैरिसन की हैंडबुक आती है, उसका गिव अवे करेंगे। तो जितने भी कमेंट्स आएंगे और उसमें से जो सब्सक्राइबर होंगे हमारे चैनल के, किसी एक का हम रैंडम सिलेक्शन करेंगे और उसको एक बुक हम फ्री में गिफ्ट करेंगे। तो आप वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, और देखने के बाद शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तभी आप विनर्स की लिस्ट में शामिल हो पाएंगे, किसी एक विजेता को हमें पुस्तक जो है गिफ्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये प्रोफार्मा CCRS द्वारा जारी किया गया है, और इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि आपको किस फॉर्मेट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पेशेंट से लेनी है। तो सबसे पहले इस प्रोफार्मा में नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल अटेस्टस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ विजिट, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस। तो सबसे पहले उसका पेशेंट का डेमोग्राफिक प्रोफाइल आपको लेना है। इसके बाद प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, यानी कि जो चीफ कंप्लेंट्स है उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। फिर एसोसिएटेड कंप्लेंट्स, एसोसिएटेड कंप्लेंट्स के बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेंट्स, यानी कि जो अभी प्रॉब्लम है, जो कंप्लेंट्स है उसका ऑनसेट क्या है, लोकेशन क्या है, कैरेक्टर क्या है, स्प्रेड और रेडिएशन क्या है, सीवियरिटी क्या है और टाइमिंग क्या है। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के ये 5-6 चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोफार्मा में देनी है। इसके बाद जो कंप्लेंट है, जो प्रॉब्लम है, उसकी रिलीविंग और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या है, उसके लिए आहार विहार औषध देश काल, इन सारी चीज़ों के बारे में प्रोफार्मा में होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, इसमें जितने भी पास्ट मेडिकल प्रॉब्लम्स है, ट्रीटमेंट्स है, वो आपको इसमें डिटेल देनी है। फिर फैमिली हिस्ट्री, फिर ट्रीटमेंट हिस्ट्री। तो ट्रीटमेंट हिस्ट्री में जो प्रेजेंट कंप्लेंट्स है उसके लिए क्या क्या मेडिसिन चली है, या अदर कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है तो उसमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट या अदर कोई भी ट्रीटमेंट, और उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो अगर कोई एडवर्स इफेक्ट है तो वो सारी चीज़ों को ट्रीटमेंट हिस्ट्री में मेंशन करना है। इसके बाद है पर्सनल हिस्ट्री, उसकी व्यक्तिगत जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे नोट करनी है। उसमें पर्सनल हिस्ट्री में गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, यानी कि जो हमारे स्वस्थवृत्त का जो पार्ट है, गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, बाथ, स्नान, हाउ मैनी टाइम्स, हॉट वाटर, वार्म वाटर, नॉर्मल वाटर, उसके बाद जो है टाइमिंग,
अर्ली मॉर्निंग, नून, इवनिंग, बिफोर इवैक्यूएटिंग बॉयल, आफ्टर इवैक्यूएटिंग बॉयल, सून आफ्टर एक्सरसाइज, फूड हीट एक्सपोजर, स्टाइल ऑफ बाथ, क्या क्या स्टाइल है, अनुलेपन, मॉइस्चराइजर, फेयरनेस क्रीम, कोकोनट ऑयल, ग्लिसरीन, ऑलिव ऑयल, दंत धावन डेली वंस ट्वाइस आफ्टर एवरी मील, यूजिंग दातून या टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में भी कौन सा स्वीट, साल्टी मेडिकेटेड, ये सारी चीज़ें आपको व्यक्ति पर्सनल हिस्ट्री में मेंटेन करनी है। टंग स्क्रैपिंग हो गया, अंजन है, नश्य है, गंडूस है, तांबुल है, धूम है, आयल अप्लीकेशन यानी कि अभ्यंग कहाँ पे करते हैं, ईयर हेड, ईयर शोल, लिम्ब, होल बॉडी, और कौन सा तेल और कितनी बार, मतलब डेली कितनी बार, वीकली कितनी बार और मंथली कितनी बार। अभ्यंग व्यायाम हिस्ट्री रेगुलर है, ओकेजनल है, नेचर क्या है, वॉकिंग, प्लेइंग बैडमिंटन, क्रिकेट, जॉगिंग, एरोबिक्स, जिमनेजियम, आफ्टर अभ्यंग, विदाउट अभ्यंग, ड्यूरेशन। इसके बाद आता है डाइट एंड फूड हैबिट्स क्या है उस पेशेंट की, व्हाट काइंड ऑफ फूड, हाउ डू यू रेट योर फूड क्वालिटी, डू यू गेट हंगर फॉर सक्सेसिव फूड टाइम्स, टेस्ट ऑफ फूड, इनडाइजेशन। तो पर्सनल हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इस प्रोफार्मा से आप नोट कर लेंगे। इस प्रोफार्मा को मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपने आयुषवाणी जो ग्रुप है उसमें पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो फूड का है यहाँ पे हैबिट्स दिया है, टाइम दिया है, इन्ग्रेडियंट्स है, क्वान्टिटी, टाइप्स ऑफ डाइट, वेज नॉन वेज, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में कौन कौन सा लेते हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कहीं क्लियर कट कोई इंडिकेशन नहीं है, तो अलग अलग फिजिशियन डॉक्टर अलग अलग बताते हैं, कोई एक लीटर बताता है, कोई दो लीटर, कोई तीन लीटर। बहुत से पेशेंट्स ऐसे आपको मिलेंगे जो बताते हैं कि 7 से 8 लीटर पानी पी लेते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वाटर जो है खुद ही एक बहुत बड़ा बहुत से रोगों का कारण हो जाता है। तो कौन सा वाटर लेते हैं, टैप वाटर, ग्राउंड वाटर, फिल्टर्ड, नॉन फिल्टर्ड, कोल्ड, चिल्ड, बॉयल्ड, कोल्ड, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। इसके बाद है बॉवल हैबिट, तो बॉवल हैबिट के पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो बहुत से रोगों का कारण जो है बॉवल हैबिट्स ही हैं। तो इसमें फीलिंग ऑफ अर्ज, फ्रीक्वेंसी, टाइम रिक्वायर्ड, सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ इवैक्यूएशन यानी कि पेन है या बर्निंग सेंसेशन है या इचिंग है, मिक्सड विथ म्यूकस, ब्लड, प्रेजेंस ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल, हिस्ट्री ऑफ वर्म्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्म इन्फेस्टेशन, इवैक्यूएशन कम्प्लीट, इनकम्प्लीट, अनसेटिस्फैक्ट्री, मूत्र प्रवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी, कलर एसोसिएटेड सिम्टम्स, श्वेत प्रवृत्ति क्या है, निद्रा कितने घंटे सोते हैं, साउंड स्लिप होती है, डिस्टर्ब होती है या रिड्यूस्ड होती है, कितनी बार उठते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई एडिक्शन है या नहीं, स्मोकिंग, अल्कोहल, पान, गुटखा, टी, कॉफ़ी, मोबाइल फ़ोन, अदर्स। इसके बाद आता है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, तो स्पेशली फीमेल के केस में है, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे अगर कोई फीमेल पेशेंट आती है। सेक्सुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री यहाँ पे रहेगी, और ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, तो ये सबके लिए नहीं है, अगर कोई रिसर्च उससे रिलेटेड है गायनी ऑफ से तो ये पार्ट देना ज़रूरी है, अदरवाइज इसको स्किप किया जा सकता है। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, इसमें टाइप ऑफ जॉब क्या है, सिडेंट्री, एग्जॉस्टिंग, इंटेलेक्चुअल, मेंटल स्ट्रेस, एयर कंडीशन है, हॉट है, नाइट शिफ्ट है, कंप्यूटर वर्क है, टाइपिंग है। ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बहुत से जो डिजीज है ना उसमें रिस्पॉन्स उसकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, तो अगर हम उसका लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं तो बहुत से मामलों में डिजीज वैसे ही ठीक हो जाती है। तो वर्क प्लेस क्या है, पोस्चर वाइल वर्किंग क्या है। फिर अब आता है परीक्षा, जो विशेष रूप से यही इम्पोर्टेंट है परीक्षा का, तो इसमें दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, इसमें अंग, ऊर्ध्व, चतुर्गत, अंतराधि, बाहु और शक्ति, और अंग परीक्षा में दर्शन, स्पर्शन, संवेदना में अलग अलग हेडिंग्स में है, आपको यहाँ पे देख के यहाँ पे टिक करना है कि स्पर्श कैसा है, संवेदना कैसा है, दर्शन कैसा है। फिर स्रोतस परीक्षा है, फिर दोष परीक्षा है, दोष परीक्षा में कौन से दोष का प्राबल्य है, आहार विहार कौन सा लेता है, क्षय वृद्धि के लक्षण क्या है, प्रकोप लक्षण, गत लक्षण, सामनी राम लक्षण, आवरण है या नहीं है। इसके बाद दुष्य परीक्षा है, क्षय वृद्धि प्रदोषज, मल परीक्षा, इंद्रिय परीक्षा, नाड़ी परीक्षा, फिर आतुर बल परीक्षा है, जो अष्टविद परीक्षा है, प्रकृति सार संगठन प्रमाण साथ में, व्याधि परीक्षा, इसके बाद निदान पंचक परीक्षा, जो पंच निदान है, निदान पूर्व रूप रूप उपसय, और संप्राप्ति में संप्राप्ति घटक, दोष दुष्य स्रोत स्रोत दुष्टि प्रकार अग्निकोष्ठ,
उसके बाद सापेक्ष निदान, प्रोबेबल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड फाइनल डायग्नोसिस, फिर साध्यता साध्यता।